आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। जैसे जैसे ग्राम पंचायत चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण अंचलों में भी हलचल देख सकते हैं। अब तो गांव के लोग गांव में शिक्षित मुखिया को सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि गांव में विकास हो सके। खाचरू तहसील में एक गांव फरना खेड़ी गांव पड़ता है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध भैरव मंदिर है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं। बताया ये जाता है कि ये मंदिर प्राचीन काल में उड़कर आया है और यहाँ भैरव महाराज की प्राचीन चमत्कारी की एक मूर्ति भी है, जिनके मुंह पर आप शराब की कटोरी को भैरव महाराज के मुख पर लगाने से कटोरा स्वयं ही खत्म हो जाता है। ऐसे प्राचीन गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। इसी गांव फरनाखेड़ी में, ग्राम पंचायत फरनाखेड़ी में अब लोग शिक्षित सरपंच चाहते हैं। जब हमारी टीम गांव में पहुंची, तब हमने ग्रामीणों की नब्ज टटोलनी चाही। तब हमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई और विकास कहीं दिखाई नहीं दिया। परंतु इस बार हम गांव को शिक्षित सरपंच चुनाव देकर गांव का विकास करेंगे। इस बार भारत गुर्जर को चुनेंगे, क्योंकि वो शिक्षित भी हैं, समझदार भी, उसे काम करने की समझ भी है और गांव के लिए कुछ करने की मन में ललक भी। इस बार हम उन्हें ही मौका देंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से संवाददाता शंभु राठौड़ की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सरपंच पद का चुनाव चल रहा है, इसमें आपको अपने पंचायत का सरपंच चुनना है। भारत गुर्जर वो सब सरपंच पहले बन गए, सब ने देख लिया कोई रोड बना, गांव में कोई नल की व्यवस्था नहीं, बिजली बिल ऐसे बकाया है, कहीं कोई कोई सरपंच कोई काम नहीं कर रहा। अभी जैसे अब यूवर चुना है अपना भरत गुजर को, उसकी मम्मी है प्रेम भाई, कहीं गिराज सिंह जी उनका पुत्र है भरत गुजर, उनको अच्छे आदमी चुना है, उसको वोट देंगे हम, उसके लिए हमको जिताना उसको। कितने उम्मीदवार आपके यहाँ? और आठों उम्मीदवार में कौन शिक्षित है और किसे जनता चुनने का प्रयास कर रही है? हमारे इधर तो भरत गुजर ही कोई चुनना चाहती है। क्यों, भरत गुजर में ऐसा क्या है? कुछ विकास अच्छा कर रहा है, जानकारी अच्छी इनसे। अच्छा, तो इस बार आपने फैसला कर लिया है कि भरत गुजर को चुनेंगे? हाँ। और बाकी माहौल क्या है गांव के अंदर? गांव का माहौल तो यही है, भरत गुजर को चुने नाला व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? बामनिया जी है। बताए, आपके ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अभी वर्तमान में कौन सरपंच है और कितने यहाँ पे उम्मीदवार है जनपद पंचायत सरपंच पद के लिए? हमारे पंचायत में तीन गांव है, रामनगर, फरनाखेड़ी और फरनाजी। अच्छा, और हमारे पंचायत से 8 लोगों ने फार्म भरा है। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कौन है? हमारे हम सबका ऐसा ही मानना है, जो शिक्षित हो, अच्छा उम्मीदवार हो, जो अच्छा काम करवा सके, क्योंकि सरपंच तो बहुत सारे बने अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, यहाँ आज तक मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई, बहुत कम मतलब सरपंच की तरफ से आज तक कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो मन में कुछ ऐसी बनाई तो होगी कि कोई एक व्यक्ति है जो आगे तो बढ़ सकता हमारे, है। हमारे गांव से भी भरत भी आए, भरत गुजर जैसे भी, उनको मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है। ऐसा क्यों, भरत गुजर क्यों? क्योंकि वो क्या, उनका क्षेत्र के हिसाब से आसपास में उनका अच्छा रुतबा भी है, पहचान भी अच्छी है, इस कारण सब, और उनको हर चीज का नॉलेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा रहेगा, 3-4 जने का तो अच्छा है माहौल अभी, लेकिन जो भी अच्छा दिखेगा सबको, सब जनता है, जनता है। क्या विकास के क्या मुद्दे हैं इसमें? अपने ग्रामीण पानी की व्यवस्था है, दूसरी फिर मसान के लिए मतलब परेशानी होती है, मतलब मसान से सलामत नहीं है, शमशान घाट नहीं है अभी, घाट नहीं है सलामत, पानी की टंकी में समस्या ये है, पीछे लाइट नहीं है, पीछे लाइट भी नहीं है, लाइटें भी बंद चालू होती है, लाइटें की समस्या है। अच्छा, तो अब की बार शिक्षित सरपंच रहेगा या फिर वैसी सरकार बैठेगी जैसे पहले थी? अच्छा जनता चुनेगी, अच्छा ही चुनेगी। ग्राम पंचायत फरनाखेड़ी के लिए सरपंच पद का चुनाव होना है, तो किस प्रकार का उम्मीदवार अपने यहाँ पे है और पिछली पंचायत में क्या विकास हुआ है? विकास तो मजबूत हुआ, अभी मेरे 40 साल की उम्र हो गई, वहाँ तक हमने विकास देखा नहीं अभी तक, और वर्तमान में अभी 8 सरपंच खड़े हुए हैं, उसमें हमारे शिक्षित सरपंच हैं भरत गुजर, और वर्तमान में हम सोच रहे हैं कि अच्छा काम करेगा, इसलिए उसको भाई